नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने YouTube चैनल माई लिटिल टेरेस गार्डन BBK में, और आज हम बात करते हैं अपने पौधों की ग्रोथ के बारे में कि इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे हो रही, क्या फर्टिलाइज़र देते हैं और क्या कैसे क्या करते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं और नंबर्स ऑफ फ्लावर देखिए कितने ज़्यादा आ रहे हैं, फूल भी लगे हैं, बर्ड्स भी आ रही हैं न्यू। और तो ये कैसे संभव होता है, क्या खाद दी जाती है इसमें, क्या केयर करनी पड़ती है। ये देखिए कितने बड़े बड़े और कितनी ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आ रहे हैं, न्यू बर्ड्स भी हैं तमाम। मैंने स्टिक भी लगा रखी है फ्लावर में, प्लांट में। ये देखिए कितना बड़ा हिबिस्कस का फूल है। ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं। ये गुलाब देखिए कितना बड़ा गुलाब है। तो इसके लिए दोस्तों, जानने के लिए कि इसमें क्या मैं खाद देता हूँ और क्या करता हूँ, इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा कि मैं कौन सी खाद देता हूँ, कैसे देता हूँ। न्यू बर्ड्स देखिए कितनी बड़ी बर्ड्स है, इसमें काफ़ी बड़े फूल आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम बताते हैं इसमें क्या खाद दी जाती है और कितनी दी जाती है, कितनी मात्रा में दी जाती है, कितने दिन पर दी जाती है। और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय हमारे गार्डन में, और ये गुलदावरी के फ्लावर्स हैं। देखिए एक साथ कितने सारे फ्लावर्स निकले हैं, और ये मेरा चिली का पेड़ है, देखिए कितने अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है और फल भी आ रहे हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आज एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र की जो आप घर में बना सकते हैं, और ये है मस्टर्ड केक, यानी सरसों की खली। सरसों की खली एक ऐसा न्यूट्रिशन पाया जाता है इसमें जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। इसमें कई तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, फास्फोरस होता है, और फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, तमाम तरह के इसमें तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है, मस्टर्ड केक को, और कैसे इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना सकते हैं अपने गार्डन के लिए, तो हम अपने प्लांट के अनुसार जितना हमारे पास प्लांट हो उसको ये मस्टर्ड केक जो है इसको हम भिगो देंगे 1 या 2 दिन पहले। और ये देखिए मैंने 1 लीटर पानी में भिगोया था, क्योंकि मैं अपने करीब 40 से 50 प्लांट में मैं डालूँगा, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा फिर बनाऊँगा अगले दिन, और मैं 2 बार में डालूँगा, थोड़े में आज और थोड़े में अगले दिन। तो इसको दोस्तों आप अपने प्लांट के अनुसार कम ज़्यादा भिगो लें, और 1 लीटर पानी में मैंने भिगोया था, और इसको अब मैं 20 लीटर पानी में मिक्स करके प्लांट में अपने डाल दूँगा। तो आइए मिक्स करते हैं अब पानी में। ये मेरा 20 लीटर का पानी है और इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और इसमें मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से घोल लेंगे पानी में ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और हम उसके बाद इसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने प्लांट्स में डालेंगे। ये देखिए अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और बड़ी सावधानी से हम अपने प्लांट में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और हम सावधानी से इस तरह इसलिए डालेंगे ताकि ये पेड़ की पत्तियों पर और पेड़ पर ना पड़े, वरना इसमें पेड़ में फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हम बड़ी ही सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और ये जो फर्टिलाइज़र है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो होता है, इसका आप रिज़ल्ट 15 दिन बाद देखने को मिलेगा।
15 दिन बाद ये अपना काम करता है, थोड़ा स्लो रिलीज होता है ये। तो हम ये सभी प्रकार के पौधों में डाल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फल फ्रूट वाले प्लांट्स में, और अपने गुलाब में, सब हर पेड़ में इसको हम डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी पेड़ों में डाल दिया है, और बड़ी सावधानी से डालिए ताकि पेड़ों पर ना पड़े, ताकि फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे प्लांट्स को ना लगे। और इसको डालने के बाद हम थोड़ा इसमें करीब 1 हफ्ते बाद फंगिसाइड का स्प्रे भी करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।